मेरा नाम सुखदेव ढावर है और मैं अम्बेडकर भीमगंज मूवी का प्रबंधक हूँ। लाउडली। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दर्शनार्थी जो बाबा साहब के अस्थियों कलश के दर्शन के लिए आते हैं, आज वो लोग यहाँ पर काफ़ी सफाई कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि बाबा साहब के अनुयायी अभी लोग इतने जागरूक हैं कि वे धूर्त लोगों के जो कर्म यहाँ किए गए हैं उनके द्वारा नाकामी के जो यहाँ कर्म किए हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मुझ पर हमला हो, चाहे दान पत्र से पैसा चोरी हो, चाहे समितियों के द्वारा यहाँ पर किया गया एक अपराध घिनौना हो, मगर उन सभी घिनौने अपराधों के ऊपर यहाँ पर ये जो दर्शनार्थी आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर अपनी पूर्ण श्रद्धा भाव से यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मस्थली पर सफाई कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज भी हमारे बीच ऐसे महामानव हैं। मगर दुख इस बात का है कि हमारे बीच के ही कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ पैसे के लिए और सिर्फ अपने पद और अपने स्वार्थ के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मस्थली का उपयोग कर रहे हैं, और उसी के चलते कुछ लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया था। मगर बाबा साहब के आशीर्वाद से आज मैं आपके सामने निडरता से खड़ा हूँ, अम्बेडकर जन्मस्थली की आज भी रक्षा कर रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ, अकेला खड़ा हूँ और सफाई आज भी कर रहा हूँ। बाबा साहब के अनुयायी मेरे साथ मिलकर जन्मस्थली की सफाई करवा रहे हैं, और मैं कहना चाहूँगा बाबा साहब के अनुयायियों से कि ये हमारी जन्मस्थली है, हमारे बाबा साहब की जन्मस्थली है, मेरा जन्म भी महू में हुआ है और ये मेरा भी जन्म स्थान है, और मुझे गर्व इस बात का है कि ये बाबा साहब की जन्मस्थली है और मैं इसी जगह पर जन्मा हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का गर्व है कि मैं बाबा साहब की जन्मस्थली का प्रबंधक हूँ और यहाँ पर सफाई कर्मी के तौर पर काम कर रहा हूँ। प्रबंधक के बावजूद मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मगर ये सबसे शर्म की बात है कि लोग यहाँ पर केवल अपनी गंदी राजनीतिक विचारों के लिए आते हैं और सिर्फ बाबा साहब को अपने राजनीति के रास्ते में कोई अड़चन ना आए तो उसको आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि वे अगर ऐसी मानसिकता के लोग हैं तो वो कृपया बाबा साहब की जन्मस्थली पर बिल्कुल ना आए। जी धन्यवाद। तो देख सकते थे ये हमारे यहाँ के प्रबंधक हैं, IIT स्टूडेंट हैं और अभी 12 बजे ये कॉलेज चले जाएंगे, सुबह आते हैं। इस पर हमला हुआ था, जानलेवा हमला, इनके सर पे 5 से 6 टांके लगे हुए हैं, तो बीच में इनका आना थोड़ा तो रुक गया था, फिर वापस खड़े हुए और आ रहे हैं। इनका पिताजी नहीं है, डेथ हो गए हैं, लेकिन इनको अभी घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इनका कमेटी मेम्बर जो है पैसे नहीं देते हैं। 4 से 5 माह हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं सभी लोग यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। 40 लोगों की हमारी पूरी टीम, ये पूरा बस है, दी रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया लीगली बौद्धों की संस्था है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के ग्रुप आए हैं और हम सभी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। आप देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे के द्वारा, तो यहाँ के जो कमेटी मेम्बर उनको शर्म आनी चाहिए, आकर कम से कम देखना चाहिए कि कैसे रहते हैं। ऐसे महारों जो लोग इस कमेटी में हैं उनको लात मार के निकालनी चाहिए, और बाबा साहब ने जो लीगली बौद्ध है ऐसे लोगों के कंट्रोल में इसको देना चाहिए, या फिर ट्रस्ट बनाकर इसको सौंपना चाहिए बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा।